नमस्कार दोस्तों, जैका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ मैं स्वीट कॉर्न वड़ा की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। और बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म वड़ा खाना सभी को पसंद होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मिक्सी जार में एक कटोरी ना स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल वाले कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दरदरा पीस लेना है बिना पानी का। एक बॉल में इसे निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और शिमला मिर्च एक हमने लिया है बारीक काट के, ग्रेट किया हुआ गाजर, और यहाँ पे प्याज ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ नॉर्मल। हरी मिर्ची डाली हूँ, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। धनिया पत्ती डालेंगे, फिर इसमें अदरक और लहसुन हमने ग्रेट करके डाला है। मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, हल्दी पाउडर, और इसमें अब ऐड करेंगे जीरा और हींग हमने इसमें डाला है। और यहाँ पे हमने डाला है नमक स्वाद अनुसार। फिर गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर इसमें आधा कटोरी हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है जब आप मिक्स कर रहे हैं तो पानी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमने पीस के रखा था ना, दरदरा पीस के रखा था कॉर्न को, उसमें पानी काफ़ी होता है, तो इसलिए ना पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच ना चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, यानी बेसन से कम थोड़ा सा हमने लिया है चावल के आटे को। अगर बहुत ज़्यादा अगर बैटर जो है गीला लगता है तो आप बेसन या चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो बाइंडिंग के लिए। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला या अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथों में तेल लगाकर, और इसे इस छोटे छोटे बॉल की तरह हम ले लेंगे और इसे बड़ा शेप दे लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और बारिश का मौसम हो तो गर्मा गर्म चाय के साथ ना बहुत ही आराम से इसे इंजॉय किया जा सकता है। तो सारी तैयारी आप कर लीजिए और शाम के चाय के साथ में ना इसे गर्मा गर्म इस तरह से बना के आप तैयार कर सकते हो, या इस तरह से वड़ा तैयार कर लीजिए और जब आपको खाना हो तो आप इस तरह से गर्मा गर्म इसे फ्राई कर लीजिए। तेल को हल्का सा गर्म रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म मत रखिएगा, नहीं तो ये जलने लगता है और अंदर से ना कच्चा रह जाता है। और इसी तरह से वड़ों को डाल लेंगे, अलट पलट करके दोनों साइड से हम वड़ा को सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर स्वीट कॉर्न आपके पास नहीं है तो नॉर्मल वाला जो कॉर्न आता है ना, जो भुट्टे हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी आप इसे वड़ा बना के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने अलट पलट कर लिया है। मनपसंद चटनी के साथ या चाय के साथ गर्मा गर्म बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और बिल्कुल अलग है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे बना के दे सकते हो। तो स्वीट कॉर्न अभी या भुट्टा जो होता है बहुत आसानी से भी बारिश के मौसम में मिल जाता है मार्केट में। तो ये हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ पे सर्व कर ले रही हूँ टमाटो सॉस के साथ में। तो इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा ऊपर में ना एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है वड़ा। तो एकदम इस तरह से स्वीट कॉर्न वड़ा बनकर यहाँ पर तैयार है। तब तक इसे ट्राई कीजिए, फिर से मिलती हूँ। थैंक यू।